फ्रेंड्स, सिंगल बेड हो या डबल बेड, कौन सा साइज का बेड में कितना किचिस का जो लगना चाहिए, ये एक कन्फ्यूज़न हमेशा रहता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा साइज का बेड में कितना किचिस का जो लगने से हाइड्रोलिक सही से काम करता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, हाइड्रोलिक बेड का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो है बेड का चाली। बेड का चाली को 19 सेम प्लाई से जॉइंट करके बोथ साइड लेमिनेट पेस्ट करना पड़ता है ताकि हाइड्रोलिक सही से काम करे और चाली भी हेवी बने, क्योंकि हेवी चाली के बिना हाइड्रोलिक जो है सही से प्ले नहीं करता। फ्रेंड्स, बेड जो है 3-4 साइजें बनता है, जैसे कि 3 फीट बाय 7 फीट सिंगल बेड, 5 फीट बाय 7 फीट डबल बेड, 5.5 फीट बाय 7 फीट डबल बेड और 6 फीट बाय 7 फीट डबल बेड। अगर आप सिंगल बेड यानी कि 3 फीट बाय 7 फीट का बेड बना रहे हो विथ फुल हाइड्रोलिक, तो उसमें आपका 120 kg यानी कि 120 kg का हाइड्रोलिक फिटिंग्स होगा। अगर आप 5 फीट बाय 7 फीट का बेड बनाते हैं फुल हाइड्रोलिक, तो उसमें आपका 150 kg यानी कि 150 kg का हाइड्रोलिक फिटिंग्स होगा। अगर आप 5 फीट बाय 7 फीट बेड को हाफ हाइड्रोलिक बनाओगे तो उसमें आपका 75 kg का हाइड्रोलिक जो है फिटिंग्स होगा। अगर आप क्वीन साइज बेड यानी कि 5.5 फीट बाय 7 फीट का बेड बनाते हो फुल हाइड्रोलिक, तो उसमें आपका 175 kg का हाइड्रोलिक फिट होगा। और अगर आप क्वीन साइज बेड को हाफ हाइड्रोलिक बनाओगे तो उसमें आपका 75 kg का ही हाइड्रोलिक फिट होगा। अगर आप किंग साइज बेड बनाते हो यानी कि 6 फीट बाय 7 फीट का विथ फुल हाइड्रोलिक, तो उसमें आपका 200 kg का जो है हाइड्रोलिक फिटिंग्स होगा। और अगर आप किंग साइज बेड को हाफ हाइड्रोलिक बनाओगे तो उसमें आपका 120 kg का हाइड्रोलिक जो है फिटिंग्स होगा। फ्रेंड्स, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर किया हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम लोग खुद बेड मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हम सोचे क्यों ना ये कन्फ्यूज़न आप सबको भी क्लियर करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो से अगर आपको कोई हेल्प मिला हो तो एक लाइक कीजिए, और वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी हो तो कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे का भी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, और सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिए आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।